वक्त। देखिए जहाँ तक लीज का सवाल है, ये जो हमारा जम्मू कश्मीर में लीज की परेशानी है, लीज तो काफ़ी देर से ख़त्म हुआ है। जो इससे पहले गवर्नमेंट्स थी उन्होंने हमें वादा किया था हम लीज़ बढ़ाएंगे, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ उसका। अब यूटी गवर्नमेंट आई है, हमें पूरा यकीन है, जैसे एलजी साहब ने भी हमें वादा किया है, हम ये जो गुलमर्ग में है, पहलगाम में है और भी जहाँ कोई लीज है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। उससे जो हमारी बिजनेस हैं वो अच्छी तरह चलेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हमें रिपेयर्स करने हैं, रेनोवेशन करनी है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, सब कुछ बैठा हुआ है, ओल्ड प्रॉपर्टीज़ हो गई है, कोई नया मामला नहीं है उधर। उस चीज़ से हम गेस्टों को वो फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं जो उनको चाहिए। यहाँ से हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल टूरिज्म, कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे, मगर उस हिसाब से तो होटल होने चाहिए ना। यहाँ तो होटल जहाँ जहाँ लीजेज है वो पर प्रॉब्लम्स है उधर, तो इसलिए अगर लीज बढ़ जाते तो हम तैयार थे, जो भी उसमें करना होगा गवर्नमेंट के साथ वी आर रेडी फॉर दैट, एंड उससे सब कुछ ठीक हो सकता है। सर अगर अभी अपने लीज बढ़ाने की, ठीक है, टूरिज्म चलेगा, होटल्स चलेंगे, बाकी चीज़ें हाउस बोट्स चलेंगे, शिकारा वाला चलेगा, टैक्सी वाले चलेंगे, डेफिनेटली ये तो ऑब्वियस बात है। तो जब टूरिज्म चलेगा, होटल इंडस्ट्री चलेगी, इकोनॉमी में थोड़ा सा बूस्ट आएगा। अभी उतना तूफान नहीं है जो बोल रहे हैं, मगर फिर भी किसी हद तक हो रहा है। देखिए जहाँ तक SOPs की बात है, ये जो थर्ड वेव की बात चल रही है, तो खुदा करे ऐसा ना हो थर्ड वेव आए, उससे तो परेशानी बढ़ जाती है। हाँ, जो SOPs हमें फॉलो करनी है वो तो हम कर रहे हैं, सारे होटल वाले छोटे क्या बड़े सब कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें वो हमें इफ़ेक्ट करे। हमें लीज बढ़ा दीजिए, उसमें जो करना है गवर्नमेंट को हमें बताइए, जैसे जो भी चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं वी आर रेडी फॉर दैट। हमें लीज बढ़ाइए ताकि हम अपने आराम से बैठे, गवर्नमेंट भी अपने आराम से बैठे।